गुड 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 इवनिंग 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 सोल्जर्स हाउ आर यू कैसे आप लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग नेगी सोल्जर्स आर ऑन फायर यस 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 गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सो माई फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग फुल कोर्स यस कंप्लीट कोर्स यस डिटेल्ड कोर्स यस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यस बेसिक टी फॉर गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अगरिंग इंजीनियर सर्विस एग्जामेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तब भी आपको हेल्प होने वाली इनफेक्ट एनी कॉम्पिटिव एक्सामिलेटिंग देल्प फ्राम दिस कोर्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आई सो बारिक वाइफ की बात करने वाले हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक और डिटेल में डिस्कस करेंगे नो दिट्स इन डिटेलूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं जो लोग इस YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बाकी तो लोग जानते हैं फिर भी जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं माई नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी I'm mechanical head Unacademy academy brands, top educator on an Plus, having continuous plus classes. Gate All India Rank 1 2019 20 Engineering Sciences Paper, All India Rank 1, Bank Note Paper Mill. I completed my master's from IIT Bombay over the topper of my batch. I'm teaching for Gate and ESC since 9 plus years. Till now I have mentored more than 50,000 students in online, offline, and seminar mode. बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोज आर प्लानिंग टू जॉइन अन अकेडमी प्लस आई वेलकम ऑल ऑफ देम टू नेगिस्तान

उंड्री लेनिक्स पढ़ी है टेन फोर्टी फाइव पी एम यस थर्टींथ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सैटरडे टेन फोर्टी फाइव पी एम वी आर गोइंग टू मीट वेयर ऑनअमी लर्निंग एपैडमी फ्री स्पेशल क्लास एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दो आर लर्निंग

अभी तक आपको जितना भी हीट पढ़ाया है उसके बेसिस पर कल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं तो इसको कोई भी मिस नहीं करेगा क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया तो चीजें डिसकंटिन्यू हो जाएंगी चैन टूट जाएगी सो so, हीट इंट्रैक्शन चैप्टर के जो प्रॉब्लम है हम लोग कल डिस्कस करने वाले कहां पर अनअकेडमी लर्निंग एप अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको कोई मिस नहीं करेगा बेटा प्लीज डोंट मिस मॉर्निंग इलेवन थर्टी ए एम लगभग सवा घंटे डेढ़ घंटे का सेशन रहेगा लगभग पंद्रह से बीस क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करेंगे एक बजे तक आप लोग फ्री हो जाओगे सो प्लीज डोंट कीप एनी मीटिंग एनीथिंग फ्रॉम इलेवन थर्टी ए एम टू वन पी एम उतना मैं आपको बता रहा हूं ओके okay? ठीक है ठीक है कल संडे है फोर्टींथ ऑफ मार्च ओ माई गॉड एंटर द इनवाइट कोड टू अनलॉक यूर पीपल आर वट इज द इनवाइट कोड रे बाबा एक ही इनवाइट कोड है आज की क्लास सेल्वी स्टार्ट टूडेज क्लास यस ये चलो सेल्वी स्टार्ट डिस्कसिंग टूडेज क्लास बोलो रे बाबा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आर योर गडे सब लोग रेडी हैं? यस ये आर झमाझम रेडी है रे बाबा ये हुई ना बात कमॉन एवरीवन, आर यू रेडी यस। चलो माई फ्रेंड्स नाउ जस्ट डे वी हैव डिस्कस्ड आई सो बारिक प्रोसेस आज मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला हूं बेटा तो ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना एडिशन टू परफेक्ट गैस I hope you are able to recollect one beautiful thing. Yesterday, I have discussed if we are supplying the heat to a perfect gas isobarically, then 100% volume of the perfect gas increases. At the same time, temperature of the perfect gas is going to increase. Abhans, what I'm trying to tell you, listen carefully. What I'm trying to tell you, listen carefully. क्या मैंने बोला आपको वेन एवर वी आर सप्लाइंग हीट टू अ परफेक्ट गैस आई सो बारिकली हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम ऑफ द परफेक्ट गैस इज गोइंग टू इंक्रीज एट द सेम टाइम टेम्परेचर ऑफ द परफेक्ट गैस इज गोइंग टू इंक्रीज नाउ लिसन केयरफुली नाउ लिसन केयरफुली कैन आई से फॉर आई सो बारिक ट एडिशन फॉर आइसो बारिक हीट एडिशन टू परफेक्ट गैस टू परफेक्ट गैस बेटा कैन आई से हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस ये कंफर्म करना बेटा कैन आई से हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस एक बार ये कंफर्म कर दो कैन आई से हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस क्या मैं विद फुल कॉन्फिडेंस बोल सकता हूं वॉल्यूम इंक्रीज होगा यस वॉल्यूम इंक्रीजेस बट अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है देन कैन आई से वी टू इज ग्रेटर देन वी वन वट इज वी टू फाइनल वॉल्यूम

this i am able to understand. this i am able to understand. itna now listen carefully. what will happen to temperature? or a champa? what is going to happen to temperature? if i am having isobaric heat addition to a perfect gas, what will happen to the temperature? there is a no doubt. there is no doubt temperature increases. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हंड्रेड परसेंट टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीजेस हंड्रेड परसेंट टेम्परेचर इंक्रीजेस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या हो गया टी टू इज ग्रेटर देन टी वन

एनी इंटेलिजेंट ऑफ द्लास मी डेल्टी अरेउट डेल्टा यू इज अटिव यह समझ में आ रही बात यह आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ इफ आई एम हैविंग अ सिस्टम व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ परफेक्ट गैस और इफ आई एम हैविंग अ परफेक्ट गैस कंसिस्टिंग सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम इफ यू आर सप्लाइंग द हीट अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो वर्क डन पॉजिटिव है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो पॉजिटिव देखना बेटा ध्यान से ध्यान से देखना लेट अस सपोज

Let us suppose I am supplying the heat of 20,000 kilojoule. Now, what is happening? 100%. There will be some displacement work. Let me say this displacement work is of 15,000 kilojoule. Any intelligent school of the class can tell me what will be delta U then? There is no doubt. There is no doubt. Delta U will be how much? 5, अरे, बिल्कुल होना भी चाहिए ना ये 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 बेटा वैल्यूज़ मैंने की हैं कल को मेरे पीछे पड़ जाएगा सर सर आपने क्यों ली ले लेते बारह चंपू वो भी मैं बताऊंगा इफ यू आर सप्लाइंग दिस मच हीट हाउ मच हीट विल बी कन्वर्टिंग इतना तो समझ ले रहे

माय चंपू प्रीतम प्यारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर माय चंपू प्रीतम प्यारे सॉफ्टवेयर ही इज वर्किंग सो हार्ड थ्रू आउट द मंथ एंड फाइनली ही इज गेटिंग द सैलरी फाइनली ही इज गेटिंग द सैलरी ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज और जैसे ही चंपू के अकाउंट में पड़े ट्वेंटी थाउजेंड याद रखना यह अकाउंट तो क्या था ज्वाइंट अकाउंट था रे बाबा दिस अकाउंट वॉज जॉइंट अकाउंट सो द मूवमेंट

हेयर डाई कितने सारे खर्चे होते रहे मेनी एक्सपेंडिचर इमीडिएटली निकल गए रे नाउ हाउ मच इज द सेविंग इन ज्वाइंट अकाउंट ओनली फाइव थाउजेंड रुपीज आई होप एवरी वन इज एबल टू अंडरस्टैंड वींग ब्यूटिफुल आई सो पारिक वाइफ जैसे ही हसबेंड की सैलरी डिपॉजिट हुई अपना खर्चा निकाला और कुछ सेविंग अकाउंट में छोड़ दिया इन आइसोकोरिक पाइप व्हाट वाज हैपनिंग आइसोकोरिक पाइप में क्या हो रहा था बेटा आइसोकोरिक पाइप ब्यूटीफुल पाइप बोली ना 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 स्वामी मेरा कोई खर्चा नहीं है स्वामी आई डोंट हैव एनी एक्सपेंडिचर व्हाटएवर यू आर अर्निंग व्हाटएवर योर सैलरी इज कमिंग इन ज्वाइंट अकाउंट वो पूरी सेविंग रहेगी आइसोबारिक पाइप बोलती है नाना चंपू नाना रे बाबा चंपू जो भी सैलरी आएगी मेरा खर्चा अलग मेंटेनेंस चार्जेस अलग बाकी होगा सेविंग अभी तो और भी वैरायटी दिखाऊंगा बेटा अभी तो थर्मल वाई पाएगी, एडियाबेटिक वाई पाएगी, वाई पाएगी। अभी तो सारी वाई पाने वाली है। अभी तो बहुत सारी वाई पाने वाली है। यहां तक क्लियर है सब लोग कितने लोगों को चाहिए कितने लोगों को ऐसी आइसोबारिक वाइफ चाहिए हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट सच आइसोबारिक वाइफ कितने लोगों को ऐसे आइसो बारिक वाइफ चाहिए कितने लोगों को ऐसे आइसो बारिक वाइफ चाहिए रे बाबा नहीं चाहिए <laughs> अरे इसको मना कर रहे हो इसको मना कर रहे हो तो आने वाली वाइफ का क्या होगा रे बाबा आइसोथर्मल वाइफ एडियाबेटिक वाइफ पॉलीट्रॉपिक आप तो पगला जाओगे यू विल गो मैड यू विल गो मैडर सींग दो ये तो फिर भी बहुत बढ़िया है ये तो फिर भी बहुत बढ़िया है सर अच्छी जॉब मिल जाए तो सोच सकते हैं <laughs> चलो अब एक चीज देखना बेटा एक बेहतरीन चीज बताता हूं सी हेयर द ब्यूटिफुल थिंग एक बेहतरीन चीज देखेंगे बेटा अब सुनना एक चीज आपने ऑब्जर्व करी बेटा क्यू इज पॉजिटिव

एंड डेल्टा यू इज आल्सो पॉजिटिव मतलब देखो क्या ही तो बात है रे बाबा इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से समझना। एक ने बोला मैं पॉजिटिव हूं बाकी दोनों भी उछल गए बाबा। मैं भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव ध्यान से सुनना यहां से आपको कुछ चीज समझ में आएंगी लड़स सपोज आई एम इंटरेक्शन प्रोसेस

The moment volume is increasing. I am having displacement for positive. जैसे displacement for positive for 100% heat interaction is positive. I am having isobaric heat engine process. बस आपको एक hint लग जाना चाहिए problem में. When they are framing the gate question, when they are framing the engineering service examination question, आपको उससे ऊपर एक hint चाहिए कि बस मुझे ये बता दो कोई भी एक term positive है कि negative है.

क्या बेहतरीन ब्यूटी है अगर Q नेगेटिव हो गया अगर Q नेगेटिव हो गया इफ द हीट इंटरेक्शन इज नेगेटिव इफ द हीट इंटरेक्शन इज नेगेटिव समझ में आ गई होगी बात अगर हीट इंटरेक्शन नेगेटिव हो गया हंड्रेड परसेंट चंपा डिस्प्लेसमेंट वर्क विल बी नेगेटिव एंड डेल्टा यू विल बी नेगेटिव बस एक पॉजिटिव है तो बाकी पॉजिटिव है एक भी नेगेटिव है तो बाकी नेगेटिव है याद रखना है किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा ये किसकी बात कर रहा हूं बात हो रही है आईसो बारिक की आइसो बारिक हीट इंट्रैक्शन की ई होप एवरी वन इज क्लियर बट बहुत डेप्थ में ले जा रहा हूं ये जो आप समझ रहे हो ना ये आपको प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करने वाले हैं जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग है ना बात हो रही है आइसोबारिक हीट इंट्रैक्शन की अफकोर्स टू परफेक्ट गैस For perfect clear है यहां तक फटाफट से बोलिए फॉरवर्ड अब बेटा मैं ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा बेटा है, है ना अब बेहतरीन चीज आने वाली है ध्यान सुनना. ये तो सबको पता चल गया अभी इसमें क्या कंक्लूजन में बचा है ये तो अब दुनिया को पता चल गया फॉर सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ परफेक्ट गैस

पिस्टन सिलेंडर अरेन्जमेंटेनिंग एयर यहां से बहुत सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए आपको यहाँ पर ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है क्या ये क्या है चंपू वट आर दीज थिंग्स चंपू ये चीजें क्या है रे बाबा ये ऊपर में इतने बड़े बड़े कान लगा दिए क्या है रे बाबा ये क्या है दीज आर द स्टॉपर्स विच विल मेक्स योर पिस्टन कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पिस्टन इससे आगे नहीं जा सकता लेट सपोज आई एम हैविंग एयर मान लीजिए मेरे पास एयर है टेम्परेचर होगा ना कुछ एयर का रे रेपा चंपो एयर विल बी हैविंग सम लेट मी से एयर इज हैविंग द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस लड़ सपोज I am having a piston cylinder arrangement which is carrying some air. Let me say that temperature of the air is 30 degrees Celsius. I am having a source which can supply the heat. I am having a source. I am having a source which can supply heat. Of course.

टेम्परेचर का क्या होगा बेटा ईमानदारी से बता देना टेम्परेचर का क्या होगा विल द yes, कब तक इंक्रीज होगा कैन आई इंक्रीज फ्रॉम थर्टी डिग्री सेल्सियस टू टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस क्या मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर ऑफ द एयर विल इंक्रीज फ्रॉम थर्टी डिग्री सेल्सियस टू टू हंड्रेड कैसे? देगा चंपो देर विल नॉट टेक प्लेस ना सो हंड्रेड परसेंट द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब देखो ध्यान से देखो ध्यान से चंपा लुकैटेर बेटा

हीट ट्रांसफर विल स्टॉप हेयर द हीट ट्रांसफर विल स्टॉप हेयर मान लो टिस्टेंटमकुमक जा रहा था टेम्परेचर थुमक, 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 थुमक बढ़ रहा था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस समवेयर हेयर बेटा एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैंटल ये जो हीट एडिशन हुआ थर्टी डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये आपका कौन सा हीट एडिशन था आइसोकोरिक हीट एडिशन और आइसोबारिक हीट एडिशन आइसोकोरिक हीट एडिशन और आइसोबारिक हीट एडिशन फटाफट से बोल देंगे बेटा ये जो हीट एडिशन हुआ ये आइसोकोरिक हीट एडिशन था या आइसोबारिक हीट एडिशन था अरे छंपो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है रे बाबा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है थर्टी डिग्री सेल्सियस दि टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आई एम हैविंग व्हाट आइसोबारिक तो एक बार झमाझम टाइप कर देंगे इफ यू आर क्लियर टिल हेयर एक बार झमाझम टाइप कर देंगे चैटबॉक्स में अगर आप यहां तक क्लियर है एक बार झमाझम क्लियर टाइप कर देंगे चैटबॉक्स में यस सर झमाझम क्लियर अरे झमाझम जम क्लियर है रे बाबा यस 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 एक्सेलेंट 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 यस झमाझम क्लियर है रे बाबा अब केस टू देखना और मजा आएगा केस टू देखना बेटा और मजा आएगा लेट अस सपोज आई एम हैविंग सेम एयर एंड लेट मी से दिस एयर इज हैविंग टेम्परेचर ऑफ थर्टी डिग्री सेल्सियस लेट अस सपोज बेटा कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कहीं से भी घुमाकर पूछ ले गेट वाला आपका क्वेश्चन बन जाएगा बस क्लास समझते रहना कीप अंडरस्टैंडिंग आई आई एम एम सपोज हैविंग अ सोर्स इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा जो बता रहा हूं मी से द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मान लो देर इज अट इंट्रैक्शन

पिस्टन, ठुमक, 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 ठुमक ठुमक, ठुमक, यहां तक पहुंच गया और टेम्परेचर अब यहां पर कितना है मान लो आई एम एज्यूमिंग मान लो टेम्परेचर यहां पर 75 डिग्री सेल्सियस है ओ माई गॉड ओ माई गॉड

यो तो, तो मैं हंड्रेड पे ले जाऊंगा हंड्रेड पे है ना सोर्स बोलेगा क्या चंपू कहा गया रे बाबा सेवेंटी फाइव पे तेरे को तो मैं हंड्रेड परसेंट समझाऊंगा रे बाबा हंड्रेड परसेंट समझाऊंगा सेवेंटी फाइव परसेंट समझना तो कुछ नहीं होगा तो बोलेगा सोर्स ले, ले और हीट ले और हीट। तो फाइनली चंपू पहुंच जाएगा सिस्टम पहुंच जाएगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे अब बेटा ध्यान से सुनना द ब्यूटी इज नाउ द हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम सॉरी हीट सप्लाइड बाय द सोर्स टू द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक बार बेहतरीन चीज समझना बेटा थर्टी डिग्री सेल्सियस टू सेवनटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड देन सेवनटी फाइव डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस

है ना आइसोकोरिक हीट एडिशन और आइसोबारिक हीट एडिशन थर्टी टू सेवेंटी फाइव हंड्रेड परसेंट आइसोबारिक हीट एडिशन आइसोबारिक हीट एडिशन है ना और किसी को समझ में आया 75 टू 100 ये जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है दैट विल बी बिकॉज़ ऑफ़ आइसोकोरिक हीट एडिशन और आइसोबारिक दैट विल बी बिकॉज़ ऑफ़ आइसोकोरिक अरे पिस्टन तो चिपक गया रे बाबा स्टॉपर से अब स्टॉपर बोल रहा है ना रे बाबा ना रे बाबा ना रे बाबा ना, ना, ना अब इससे आगे नहीं मूव होगा रे बाबा चंपू तू हाँ बेटा एक बार बता देना झमाझम जम क्लियर है कि नहीं एक बार बता देना बेटा झमाझम जम क्लियर है कि नहीं बता दो बेटा झमाझम जम क्लियर है कि नहीं अरे बेटा है रे बाबा। अब उल्टा पूछ तो घबराओगे तो नहीं उल्टा पूछ तो तो घबराओगे नहीं? अब एक बार देख लेना बेटा लड़ सपोज आई एम हैविंग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट व्हिच इज कैरिंग एयर एंड इट इज हैविंग द स्टॉपर्स Let us suppose I am having a piston cylinder arrangement. This piston cylinder arrangement is carrying some air, and you can see <laughs> somewhere in the middle, I am having stoppers. Now look at here. The air is at high temperature. So air hai temperature. Air is at 100 degrees Celsius. Or you just surrounding. ये जो सराउंडिंग है मान लो ये सराउंडिंग कम टेम्परेचर पे है। इसका कलर चेंज कर देते हैं सराउंडिंग सराउंडिंग जैसी दिखनी चाहिए ना रे पापा, हाँ, गरीबी में है तो गरीबी वाला कलर गरीबी में है तो गरीबी वाला कलर ना हाँ गरीबी वाला कलर दे दिया सराउंडिंग को सॉरी ये गरीबी वाले कलर क्या होता है अरे चंपू ये देखना ये देखना ये गरीबी वाला कलर है ना रे पापा <laughs> अब जरा एक चीज बताना बेटा एक चीज बताना देर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस तो है बेटा कुछ तो टेम्परेचर डिफरेंस है एयर इज एट वेरी हाई टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग कितने पे? 30 पर थर्टी पर हंड्रेड परसेंट देर विल बी सम हीट ट्रांसफर अच्छा हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा बेटा सराउंडिंग से एयर को या एयर से सराउंडिंग को ये तो कॉमन सेंस है बाबा कॉमन सेंस है हीट विल फ्लो नेचुरली हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस नेचुरली फ्रॉम हायर टू लोअर टूम इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हंड्रेड परसेंट अच्छा हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा हंड्रेड से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा हंड्रेड से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा पिस्टन झमाझम जम तरीके से नीचे आना स्टार्ट होगा देखो पहले बेचारा यहां लटका हुआ था पिस्टन अभी ठुमक 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 और ठुमक 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 पिस्टन विल स्टार्ट कमिंग डाउन मान लो जब पिस्टन ठुमक ठुमक यहां पहुंचा मान लो एयर का टेम्परेचर घटकर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस Can I say the moment air temperature will reach to 30 degree Celsius? Now there is no more heat transfer. जो हीट ट्रांसफर होता है वो खत्म हो गया बेटा सराउंडिंग वाला भी बोलेगा अरे अब तेरे से क्यों हीट लूंगा रे बाबा मैं तू भी थर्टी पे मैं भी थर्टी पे तू कौन सा हो गया तो यही बोलेगा ना रे बाबा बोलेगा अब तेरे से हीट नहीं लेंगे रे बाबा हम अब तेरे से नहीं लेंगे रे बाबा अब तू डोनर नहीं कहला सकता तो अब हीट इंट्रैक्शन रुक जाएगा बेटा मेरे को तो सिर्फ एक छोटी सी चीज जाननी है हंड्रेड परसेंट देशर इज डिक्रीजिंग

डाउनवर्ड 100% इट इज योर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन है ना रे बाबा ये तो आइसोबारिक हीट reject... अरे पूरे मूड में हूं बेटा मैं पढ़ाने के हाहा! पूरे मूड में पढ़ा रहा हूं रे बाबा पूरा थर्मो मूड में पढ़ाऊंगा रे बाबा आइसोबारिक हीट रिजेक्शन आइसोबारिक हीट रिजेक्शन है ना यहां तक क्लियर है बोलो बेटा यहां तक क्लियर है बहुत बढ़िया अरे झमाझम जम क्लियर हो जाए क्लियर है मेरे सामने ना क्लियर से नहीं चलता बेटा कुछ भी ये क्लियर वर्ड मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को समझ में आता झमाझम जम क्लियर एक बार टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में सर झमाझम जम क्लियर है फिर मैं आगे बढ़ता हूं झमाझम जम क्लियर है ये हुई ना बात सर आज की क्लास तीन घंटे की सर आप है तो मेरी प्लस की क्लास भी होती है बेटा आज ये मेरी आ, आ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास है फोर्थ फोर्थ पौर सेशन है आज मेरा फोर्थ सेशन है इसके बाद पांचवा सेशन लाइव है और छठा सेशन फिर टेन फोर्टी फाइव पर है बाप रे बाप अब सुनो ध्यान से आप लोग के लिए कुछ भी रहे बाबा लड़ सपोज आई एम हैविंग एयर विच इज एट द टेम्परेचर ऑफ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस लख्मी से दिस इज सराउंडिंग लख्मी से दिस इज सराउंडिंग विच इज एट थर्टी डिग्री सेल्सियस हंड्रेड परसेंट

टेम्परेचर डिक्रीज होकर मान लो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होकर मान लो केवल 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है तो अभी भी 30 से ज्यादा अभी तो 30 से ज्यादा तो है अभी भी सो हंड्रेड परसेंट टेम्परेचर और डिक्रीज होगा भाई जब आप यहां पर पहुंचे वेन द पिस्टन रीज टू द स्टॉपर्स

बोलो बेटा एयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है द द ऑफ एयर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टू सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन आई एम हैविंग हीट रिजेक्शन और कोरिक हीट रिजेक्शन अरे सही है रे बाबा ये हुई ना बात ये हुई ना बात डिग्री सेल्सियस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देर इज नो मूवमेंट ऑफ द पिस्टन या रिजेक्शन लिखते हैं ना रे बाबा बोलो बेटा यहां तक क्लियर है सब लोग yes. अब आएगा ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेटा कल कल कितने बजे मिल रहे हैं हम लोग टुमारो एट व्हाट टाइम वी आर मीटिंग देखो कुछ लोगों को पता ही नहीं है बेटा कल भी क्लास है कल भी क्लास है टुमारो इज फोर्टीन ऑफ मार्च and we will be meeting on an academy learning app i will be taking an academy free special class for you people 11:30 morning par milenge beta lagbhag sawa se ded ghante ki class rahegi kya discuss karne wale hain heat interactions ke problem जितना अभी तक पढ़ा है इस वीक में इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं है ना Heat interactions के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं क्लियर है बात आई होप वन इज क्लियर है ना जो लोग नए जुड़ेंगे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर उनको इनवाइट कोड डालना होगा देर इज ओनली वन इनवाइट कोड फॉर नेगी सोल्जर्स नेगी सोल्जर्स के लिए तो एक ही इनवाइट कोड है रे बाबा है ना तो भूलना मत अदरवाइज आई विल कम इन योर ड्रीम्स एंड आई विल खिल यू मजा आ गया अभी कॉलेज का मिड है तो वो पढ़ने का मूड नहीं बन रहा है <laughs> सही है नहीं नहीं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा होगी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी बाबा, जम हो हो कल तो लॉन्च था कल मैं बताना भूल गया कल मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि मंडे से स्टार्ट हो रही है ठीक है यस आइसोकोरिक मींस कांस्टेंट वॉल्यूम ठीक है चलो आगे चलें बेटा सेल्वी मूव फॉरवर्ड सेलवी मूव फॉरवर्ड आगे चलें जल्दी से बोलो आगे चला जाए है ना चलो अब बेटा आपको एक चीज तो पता होगी यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस से बड़ा होता है ना CP, CV से बड़ा होता है ना, तो एक बार समझ भी लेते हैं बेटा uh, मैंने अभी तक आपको दो तरीके की वाइफ बताई है टिल नाउ द सेकेंड वन इज आई बारिक वाइफ एक बार याद दिला देता हूं देखो चंपू की पहली पत्नी सम परफेक्ट गैस मान लो है ना देखना बेटा ध्यान से चंपू की पहली पत्नी आइसोकोरिक पाइप चंपू ने कमाए बीस हजार आईसो कोरीक पाइप का खर्चा जीरो तो पूरी की पूरी सैलरी हो गई सेविंग पूरी की पूरी सैलरी हो गई सेविंग अरे वाह मस्त मजा मस्त मतलब आइडियल वाइफ है ना रे बाबा चंपू इतनी मेहनत से कमा रहे बाबा मैं क्यों किटी पार्टी करूंगी मेरा कोई खर्चा नहीं है रे बाबा चंपू यस बीस के बीस हजार रुपए सेविंग

एक एक करके बताऊंगा रे बाबा ये तो पहली वाली थी आइसोकोरिक पाइप इज द फर्स्ट पाइप, भी चंपू की दूसरी शादी हुई आइसोबारिक बारिक पाइप यस चंपू इज हैविंग बारिक पाइप अभी आइसोबारिक पाइप केस में क्या है ध्यान से देखना बेटा यहां पर क्या है चंपू इज अर्निंग ट्वेंटी थाउजेंड चंपू इज अर्निंग ट्वेंटी थाउजेंड वाइफ इज हैविंग एक्सपेंडिचर वाइफ इज हैविंग एक्सपेंडिचर झमाझम एक्सपेंडिचर है रे बाबा झमाझम एक्सपेंडिचर है रे बाबा तो चंपू की सेविंग कितनी है पांच हजार ज्वाइंट अकाउंट में जो अमाउंट बढ़ रहा है वट एवर द अमाउंट इज इंक्रीजिंग इन ज्वाइंट अकाउंट दैट इज इंक्रीजिंग बाई फाइव पर मंथ मतलब जो आपकी पासबुक होगी वो कैसे दिखेगी वन लैख नेक्स्ट मंथ वन लैख फाइव थाउजेंड नेक्स्ट मंथ वन लैख टेन थाउजेंड फिर फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड इतना ही है अब एक दिन क्या हो गया अरे बाबा वन डे वट की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है वन डे आईसो बारिक वाइफ नहीं कुछ तो चल रहा था घर में पेंटिंग का काम कहीं से आईसो बारिक वाइफ का वो पुरानी वाली पासबुक मिल रही आईसो की बाप रे बाप ओ नो ओ नो पूरा गुस्से में लाल ये क्या चल रहा है पहले हर महीने बीस हजार सेविंग होती थी अब केवल पांच हजार हो रही है चंपू इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही इज कमिंग लेट नाइट होम नौ दस बजे बेचारा आता है छह बजे ऑफिस से छुट्टी होती है तीन घंटे की ट्रैवलिंग है घर पहुंचा वाइफ ने एकदम अटैक कर दिया चंपो चंपो व्हाट हैपन टू यू व्हाट हैपन टू यू अर्लियर यू आर सेविंग ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ नाउ यू आर सेविंग ओनली फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ आई एम टेलिंग यू विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस जब वाइफ गुस्सा हो when the द वाइफ इज you यू शुड नॉट अटर इवन single वर्ड एंड चंपू हस्बैंड, वो क्या बोलेगा ये बोलेगा, कोरी, कुछ भी खर्चा नहीं करती तुम खर्चा करती हो? कुछ नहीं बोल सकता बाबा चंपू कैन नॉट से कुछ नहीं बोल सकता चंपू का चुप तो। अल्टीमेटम मिल गया I don't know anything. आई डोंट नो एनीथिंग थो बारिक वाइफ ने अल्टीमेटम दे दिया आई डोंट नो एनीथिंग कैसे भी करके कैसे भी करके नेक्स्ट मंथ से ट्वेंटी थाउजेंड सेविंग होनी चाहिए तो अब क्या अब चंपू चंपू क्या क्या करेगा करेगा पहले तो दिन में काम करता तब रात में भी काम करेगा मजदूरी करेगा चौकीदारी करेगा और क्या करेगा नाउ चंपू ज्वाइंड नाइट शिफ्ट आल्सो हा बेचारा चंपू नाइट शिफ्ट भी ज्वाइन किया चंपू ने नाउ चंपू इज अर्निंग ट्वेंटी थाउजेंड फ्रॉम डे शिफ्ट फिफ्टीन थाउजेंड फ्रॉम द नाइट शिफ्ट

मीनिंग इज फॉर द सेम इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द सेम इंटरनल एनर्जी चेंज अगर मैं सेम इंटरनल एनर्जी चेंज चाहता हूं देन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज मोर इन केस ऑफ आइसोबारिक कंपेयर टू आइसो कोरिक और अगर कोई मुझे रीजन पूछेगा तो मैं बोलूंगा इनकेस ऑफ आइसो कोरिक डिस्प्लेसमेंट वर्क इज जीरो बट इन केस ऑफ आइसोबारिक आई एम हैविंग सम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क आर यूर क्लियर टेल हे यहां तक सबको क्लियर व

एक चीज हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस लिख दू फॉर सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेट इज फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर अगर मैं बात करूं परफेक्ट गैस की तो परफेक्ट फॉर परफेक्ट गैस इंटरनल ओनली सो इन डायरेक्टलीचर हंड्रेड परसेंट हीट सप्लाइड इन आइसोबारिक प्रोसेस इज मोर एज कंपेयर टू हीट सप्लाइड फॉर आइसो कोरिक प्रोसेस इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दर इज नो डाउट इन दिस अच्छा ट विल बी दिस ये तो मुझे बेसिक डेफिनेशन पता है डेल्टा एच डेल्टा एच विल बी मोर देन सप्लाइडेंट वॉल्यूम डेल्टा यू अरे यही तो हमने डेराइव किया था कलर परसों दीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेजर इज इक्वल टू चेंज इन एंथेल इफ आई एम टॉकिन गैस हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंथनर्जी ना वट इज डेल्टा एच एम सी पी डेल्टा टी वट इज अ डेल्टा यू एम सी बी डेल्टा टी और अमथिंग इज गेटिंग स्वाहा एम एम इज गेटिंग स्वाहा डेल्टा टी डेल्टा टी इज गेटिंग स्वाहा ओ माई गॉड हो माई गाड इसका मतलब क्या हो गया Cp is greater than CB. यही तो चाहिए अब सुनना ध्यान से मैंने परफेक्ट लिया है। टेक एनी कांस्टेंट स्पेसिफिक ना बाबा, आई नीड टू राइट एज डेल्टा T, एंड ऑफ कोर्स डेल्टा यू आई नीड टू राइट एज एम डेल्टा टी यहां तक क्लियर है इज़ ग्रेटर देन तो अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी व्हाई आर वी आइसोबारिक हीट बी कन्वर्टिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क एज इन केस ऑफ आइसोकोरिक इन केस ऑफ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क यहां तक सब लोग क्लियर है होपई इच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल हेयर। अरे क्या ही तो तक हम सब रहे ठीक है यहां तक क्लियर है बेहतरीन तरीके से क्लियर है एक्सीट है रिमेंबर वेन एवर वी आर टॉकिंग वी आर टॉकिंग फॉर द सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो एक रेफरेंस है बेटा याद रखना चलो आगे चले सेल्वी मूव फॉरवर्ड सेलवी मूव फॉरवर्ड थोड़ा सा और आगे चलेंगे बेटा है ना एक बेहतरीन एनालिसिस करते हैं जरा हेडिंग पढ़ो व्हाट इज द नेक्स्ट है आइडियल गैस के लिए बेटा एक बार ध्यान से देख लेना कैन आई राइट स्मॉल एच इज इक्वल टू स्मॉल यू प्लस पी स्मॉल वी बेटा ये बताना इसको मैं लिख सकता हूं क्या स्पेसिफिक एंथेल इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेजर एंड स्पेसिफिक कोई कंडीशन ही नहीं है रे इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनीथिंग इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनीथिंग एनी सब्सटेंस एनी सिस्टम एनी प्रोसेस अब सुन लो ध्यान से आप सुन लो ध्यान से बेटा कैन आई से डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी स्मॉल वी ऑफकोर्स मी से दिस इज इक्वेशन नंबर ए इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं है ना नॉट लुक एट हियर थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा क्या मैं ऐसा ले सकता हूं फॉर एन आइडियल गैस फॉर एन आइडियल गैस बेटा ये तो आपको याद होगा फॉर आइडियल गैस एंथेल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली सो हंड्रेड परसेंट डीएच कैन बी रिटर्न एज सीपी पी डी टी 100% dH is equal to CPDT. We know for an ideal gas, for an ideal gas, internal energy is the function of temperature only. So 100% du is equal to what? CVDT. Now. छिपा sir, sir, right. रहे बाबा substituting substituting in equation a so what are we going to get d of d h cp dt is equal to d u सी वी डी टी प्लस डी ऑफ आर टी चंपू ये आर तो कांस्टेंट रे बाबा और गिवन आइडियल गैस आर इज कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इट विल कम आउट ऑफ द डिफरेंसेस इन ले ले रे बाबा चंपू बाहर सी पी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर डी समथिंग इज गेटिंग स्वाहा समथिंग इज गटिंग स्वाहा डी डी टी स्वा डी टी डी स्वाहा सो वर वी गटेंगीज इक्वल टू सीवी प्लस आर छम्पुर बाबा छंपुर बाबा चंपू डेट मीन्स सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कैपिटल आर अभी चंपू बोलेगा सोरियो सीपी क्या है ये सीवी क्या मुझे पता है रे बाबा मेरा चंपू सब पूछता है ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन तो लिख देता हूं लिख देता हूं चल चंपू लिए स्टाइल से लिखेंगे रे बाबा हाँ स्टाइल वाला चंपू के लिए स्टाइल वाला लिखेंगे सीपी इज द स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीबी इज इक्वल टू वट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यस ये आ रा रहा है कैरेक्टरिस्टिक characteristic गैस constant. बोलेंगे बेटा यहां तक झमाझम जम तरीके से क्लियर है यहां तक झमाझम जम तरीके से क्लियर है अरे सही है रे बाबा अब देखना बेटा एक चीज और बता देना या चलो नेक्स्ट पेज में लिख दूं क्या नेक्स्ट पेज में लिख दिया जाए क्या राइट बेटा सीपी बार सिमिलरली माइनस सीवी बार इज इक्वल टू आर बार ये क्या है अरे ये क्या है रे बाबा ये तो नई चीज है सीपी बार यह बार बार क्या है ये बार बार क्या है टाइप करो रे बाबा चाइल बॉक्स में ये बार बार क्या है मोलार मोलार स्पेसिफिक हीट हेट कांस्टेंट प्रेजेंट है ना सही है सीवी बार क्या है रे बाबा हमको सीवी बार क्या है रे बाबा मोलार फिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये आर बार क्या है रे बाबा बहुत बढ़िया आर कैपिटल आर वाज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दिस आर बार इज यूनिवर्सल यस, yes. जैसे मेरा चंपू हर सब्जेक्ट में आता है ना वैसा ही है ये यूनिवर्सल गैस कॉन्सेंट बेटा एक बार यूनिट देख लेना घबराना मत यहां पे जितनी भी टर्म्स हैं उनकी यूनिट होगी जूल पर केजी पर खेलविन और यू कैन से किलो जूल पर खेजी पर केल्विन, है ना पर केजी में होता है यहां पर When we are saying specific, when we are saying only specific or characteristic, it will be in per kg. When we are saying molar specific, when we are saying molar specific, when we are saying universal, then it will be in per kilomole. Yes. जूल पर मोल पर खेलविन और किलो जूल पर किलो मोल पर खेलविन कंफर्म कर दो बेटा यहां तक यहां तक कंफर्म कर देंगे फटाफट से सर क्वेश्चन नहीं बनता है सर क्वेश्चन नहीं बनता है उसी के लिए तो कल प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना पापा रोने से क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा करने से बनेगा कल करेंगे सॉल्व कल देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है प्रॉब्लम तो वही है ना मेरे साथ करो यही तो बोला मैंने कल साढ़े ग्यारह बजे मॉर्निंग मिलने क्वेश्चन नहीं बनता सारे चंपू क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर देंगे है ना अरे बढ़िया है बेटा अभी एक हेडिंग और बची है एक हेडिंग और बची है ये थोड़ा सा आपको बताना था मुझे कल बेटा जितने भी लोग हैं लर्निंग इंस्टॉल लेंगे जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है जैसी आप लर्निंग इंस्टॉल करते हो यू विल प्री स्पेशल क्लासेस ठीक है, है ना? उसके लिए आपको इनवाइट कोड लगेगा नेगी सोल्जर्स के लिए तो एक ही इनवाइट कोड है

चैप्टर नेम लेक्चर नंबरिंग द टॉपिक अवर इनिकुलर लेक्चर वीडियो क्लास लिंक पीडीएफ लिंक यार देखो तो सही फ्लूड एंड इॉपर्टीज में चौबीस लेक्चर हैं चलो लेट एस रीड द नेक्स्ट हेडिंग बेटा एक बार नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे वट इज द नेक्स्ट हेडिंग सीपी एंड सीवी इन टर्म्स ऑफ आर एंड गेटा प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली अभी अभी हम लोगों ने देखा था बेटा सीपी माइनस सी बी इज इक्वल टू वट कैपिटल आर है ना मान लो ये इक्वेशन नंबर ए है अच्छा देर इज वन मोर थिंग ना देर इज समथिंग कॉल्ड एडिया इंडेक्स एक टर्म है जिसको बोला जाता है एडिया इंडेक्स बेटा व्हाट इज दिस एडिया इंडेक्स आई थिंक आई हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर में डिस्कस किया था अरे वामन वेलकम रे बाबा यस 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 यू कैन स्टार्ट बेटा सर मैं रोज आपका ये वाला टाइनी देखता हूं इट्स ऑसम थैंक यू सो मच बेटा यस एडियोबैटिक इंडेक्स इज गामा गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी है ना तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं सीपी इज गामा टाइम्स ऑफ सीवी है ना एक बार देखना तो इफ सीपीज गामा टाइम्स ऑफ सीवी सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन ए सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन ए सो आई एम गोइंग टू गेट सीपी की जगह गामा सीवी रख दिया गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अच्छा सीवी तो कॉमन आ गया सीवी इज कॉमन गामा माइनस वन आर तो सीवी कितना आ गया बेटा अरे चंपा आर अपॉन व्हाट? गामा माइनस वन ये आ गया सीवी और इस सीवी को अगर मैं यहां रख दूंगा सीपी इज इक्वल टू गामा सीवी तो सीपी कितना आ जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेजर सही है ना बेटा आर गामा आर गामा लिखोगे आर गामा अपॉन गामा माइनस वन ये हो गए बेहतरीन ये ना जो अपने खतरनाक वाले प्रोफेसर होते हैं ये जो अपने खतरनाक वाले प्रोफेसर होते हैं वो ऐसा ऐसा काम करते हैं दे विल बी गिविंग यू कैपिटल आर दे विल विल बी बी गिविंग गिविंग यू यू कैपिटल आर एंड दे गामा और कहीना कहीना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको सीपीसीवी यूज करना होगा तो पहले आप सीपीसीबी यहां से निकालोगे है ना

आर और आर बार का रिलेशन बता <laughs> दूँ ध्रुव यार ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया यार ये मैंने अब यार ये तो पहले पढ़ाया था मैंने देखो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास है ना चलो यहां तक क्लियर है सब लोग अरे एक बार झमाझम क्लियर लिख देंगे रे बाबा जिंदा है सब लोग अरे यस 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 नहीं नहीं देखो अरे यार वो देखो कुछ लोग कुछ और नॉमन क्लियर यूज करते हैं मैं क्या बता रहा हूं एक ही चीज याद रखो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास अरे झमाझम क्लियर है अच्छा बेटा एक चीज और एक, एक चीज और सुन लेना ध्यान से सुन लेना ध्यान से बेटा मैं यहां पर खड़ा हूं आई एम स्टैंडिंग हेयर है ना मैं यहां पर खड़ा हूं आई एम स्टैंडिंग हेयर जस्ट 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 एंड जस्ट फॉर टीचिंग है ना तो कुछ लोग आते हैं सर वो ऐसा बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हो सर उसने ऐसा बोला तो बेटा मैं पहली चीज माय नेगी सोल्जर्स आर कैपेबल एनफ टू डील विथ सच पीपल मेरे नेगी सोल्जर्स अपने आप डील कर सकते हैं मैं पहली बार और आखिरी बार बोल रहा हूं बेटा मैकेनिकल के ऑलमोस्ट ऑल द फैकल्टीज इन दिस इंडस्ट्री आई नो है ना तो मैं कभी भी मैं कभी भी किसी टीचर के बारे में गलत नहीं बोल सकता आप व्हाट वट एम सिंह तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा और अच्छा ही बोलूंगा तो उसको सुनने के लिए लोग क्यों कमेंट करते हैं कि सर आप कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो तो बेटा इत, ऐसे जो लोग होते हैं आप खुद ही खुद ही समझा सम्ज, दो अपनी लैंग्वेज में है ना आप खुद ही टैकल कर लिया करो मेरे तक ये बात आ ही ना पाए समझ as as due respect, due respect, बात समझ रहे हो एंड एज फार एज ऑल अदर कंसर्न ड्यू रेस्पेक्ट ड्यू रेस्पेक्ट आई है सो आई कैन नॉट से इवन मैं कभी बेहोशी में भी कुछ गलत नहीं बोल सकता किसी भी टीचर के लिए सो डोंट एक्सपेक्ट दैट थिंग फ्रॉम मी ओके ठीक है मेरे को इस चीज में कभी मत डालना है ना आप लोग खुद से निपट लिया करो और दूसरी चीज आई एम स्टैंडिंग हेयर फॉर टीचिंग आई डोंट वॉन्ट टू डेविएट अगर मैं कोई जोक करता हूं मैं कोई मजाक करता हूं तो उसका रिलेशन होता है मेरी टीचिंग से डेट इट बात समझ में आ रही है आर यू गेटिंग आई एम सिंह आर यू गेटिंग आई एम सिंह तो बेटा यहां पर हम लोग केवल और केवल जमा हुए पढ़ने के लिए अपना पढ़ो एग्जाम निकालो कुछ बन जाओ लाइफ में डेट्स इट डेट इज द एम ऑफ माय क्लासेस ये मेरी क्लासेस का एम है एंड आई होप यू पीपल विल बी सपोर्टिंग इन दिस है ना ठीक है बस उतना ही है है ना चलो एंड सो दिस इज द थिंग और

एंड मंडे ओ एक बार एक बार एक बार टॉपिक का नाम पढ़ो मंडे वी आर गोइंग टू हैव द परफेक्ट एनालिसिस ऑफ परफेक्ट गैस व्यूट वी आर गोइंग टू हैव परफेक्ट एनालिसिस ऑफ परफेक्ट गैस यस एंड ऑफकोर्स दिस इज माई टेलीग्राम चैनल नेगी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन करो ऑलरेडी मोहर देन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेगी सोल्जियर ये है लिंक अदरवाइज डेस्क्रिप्शन बॉक्स में नेगी यू आर हिटिंग द फॉलो बटन द नोटिफिकेशन फ्रॉम अकेडमी अबाउट माई फ्री क्लासेस ये लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो शेयर किया कि नहीं किया कितने लोगों को आज मैं सपनों में मारने वाला हूं मुझे पता है

गाइडेंस मिलती है ना ही कोई डाउट सॉल्विंग प्लस द मोट इंपॉर्टेंट इज हैं आपको दो ही सब्जेक्ट चलेंगे एक बार में आपको क्लासरूम का इनमेंट मिलता है तुरंत आपको पीडीएफ मिलती है एंड ऑफकोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग सीरियस लर्निंग दिस इज वन मोर थिंग माई फ्रेंड्स बहुत जल्दी आई आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू निगिस्तान में आप सबको वेलकम करता हूं निगिस्तान में जहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं कस्टमाइज्ड बैच सर इस कस्टमाइज्ड बैच में क्या होने वाला है योर नेगी सर विल बी टीचिंग ऑल द थर्मल एंड फ्लूइड सब्जेक्ट्स यस थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन्स हीट ट्रांसफर मैं पढ़ाने वाला हूं बीटीपी के साथ

फ्रॉम आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका तमिलनाडु उड़ीसा कहीं से भी हैं आप यू विल भी हैविंग द बैक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो नाउ इफ यू कैन अफोर्ड दिस इट इज द बेस्ट

ट्राइंग टू जॉइन अनाख्या आर्मी प्लस यूजिंग प्रपल कोड टेन जैसे आप नेगेटेन

Join in no cost PMI. These are free structure for Unacademy Iconic. Why to use Negitan? You know. The moment you are using Negitan, you will be getting the personal cards of Gate All India Rank 1, Mechanical Head and Academy Brands. Remember Mechanical Plus Accima Club, Negitan, Negitan, Negitan. Thank you so much. Love you all. Take care. Tomorrow we are going to meet morning 11:30 a.m. on an academy learning app. Don't forget to use invite code Negitan Negitan. Thank you so much. Love you all. Take care.